सभी शिक्षण संस्थाएं बंद है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं एक सरकारी स्कूल की महिला प्रधानाध्यापक रोज 2 घंटे अपने विद्यालय के 7 छात्राओं को मोबाइल के जरिए पढ़ा रही है। रोजाना सभी बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और अगले दिन सभी बच्चे होमवर्क का फोटो खींचकर व्हाट्सएप करते हैं। अध्यापक उस होमवर्क को चेक करती है, साथ ही किसी के होमवर्क में गलती होने पर वॉइस मैसेज कर समझाती है। 33 बच्चों का ग्रुप बनाकर सभी को एक साथ पढ़ाती है। प्रदेश की प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थाएं बंद होने के बाद प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास लगाकर पढ़ाई करा रहे हैं। मुरादाबाद के राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली स्कूल में हाई स्कूल के 100 छात्र छात्राएं हैं। इन सभी बच्चों की प्रधानाध्यापक ब्रजवाला मोबाइल के जरिए रोजाना सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हिंदी की पढ़ाई करा रही है। पिछले साल भी इस स्कूल का हाई स्कूल का परिणाम 100% रहा था। ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है और स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे आसपास के गांव के हैं। गांवों में सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल की सुविधाएं नहीं होने के कारण 100 में से 31 बच्चे ही मोबाइल के जरिए पढ़ाई कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे दूरदर्शन पर चल रही क्लास के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो वॉइस मैसेज करके अपनी समस्या बता देते हैं। क्या नाम है और किस स्कूल से संबंध रखते हैं? श्रीमती ब्रजवाला नाम मेरा और मैं राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, लॉकडाउन चल रहा है, शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, ऐसे में बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं? शासन की मंशा के अनुसार हम लोगों को जिला ज्ञान निरीक्षक सर के निर्देशानुसार ये कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षण शुरू करा जाए। 20 अप्रैल से हमने ऑनलाइन शिक्षण शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमारे 10th में 70 बच्चे हैं और 31 बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में निवास होने के कारण बच्चों का वो लोग फ़ोन उनका टाइम पे रिचार्ज नहीं हो पाता या लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, और एक एक फ़ोन है घर के अंदर जिनको उनके माता पिता ले जाते हैं, और इसलिए वो पढ़ाई करते तो हैं लेकिन उस समय ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद बाद में उस कार्य की इमेज भेजते हैं हमारे पास में, हम उसको देख लेते हैं और ओके लिख देते हैं कि आपकी ये कार्य सही है और ये आपका कार्य गलत है, इसको आप पुनः कीजिएगा। तो किस तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं, किस सब्जेक्ट की आप? मोबाइल के थ्रू करा रहे हैं हम, हिंदी विषय की पढ़ाई करा रहे हैं। तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको इसका? अच्छा रेस्पॉन्स है, 50% बच्चे हमारे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन टेस्ट क्या किस तरीके से होता है आपको इसका? हमें जो कार्य कराना होता है उसकी हम इमेज खींच के बच्चों के पास भेजते हैं और ऑडियो वीडियो के द्वारा उन बच्चों को समझाते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। जैसे कि मैंने ग्रामर का कार्य शुरू किया है, 20 तारीख से मैंने अपना ग्रामर का कार्य शुरू किया है, तो मैंने बच्चों को अनुवाद बनाने सिखा दिए हैं और 5 लकारों की जानकारी दे दी, उनको लिंग वचन बता दिए हैं कि कौन कौन से वचन होते हैं, लिंग होते हैं हमारे, उसके आधार पर बच्चे जो है उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और 31 बच्चों ने अभी तक इस चीज़ को समझ लिया है कि कौन सा लकार किस उसको कहते हैं, काल किस काल का कौन सा लकार होता है। अच्छा, क्लास में बैठ के पढ़ना और इसमें तो अंतर है, क्या बच्चे समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे होने के कारण इनको उतनी मतलब फैसिलिटी या माँ बाप का अनपढ़ होना इसमें थोड़ा सा बाधित कर देता है बच्चों की पढ़ाई को। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्रतिभा हर बच्चे में होती है, कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। हाँ, क्लास के अंदर ये होता है कि हम डायरेक्ट उसको फेस टू फेस बच्चे को उस चीज़ को समझाते हैं, अपने पास बुला लेते हैं कि आप आ जाइए। यहाँ ऑनलाइन के अंदर हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हाँ, लेकिन अब जो है हैबिचुअल से हो गए हैं, हम कर लेते हैं उसको। अच्छा, आप एक हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों के, तो और भी सब्जेक्ट है क्या, और क्लासेस भी इसी तरीके से चल रही हैं? हाँ, और मेरे यहाँ और भी साइंस और मैथ की क्लासेस और होम साइंस के बराबर चल रही हैं। तो उम्मीद है कि बच्चे जो भूल पा रहे थे या भूल सकते थे वो सब रिवाइज रह रहा हूँ। हाँ, रिवाइज हो रहा है बराबर बच्चों को, क्योंकि जो बच्चों को मैंने 9th में किया था उन बच्चों को मैं देख रही हूँ, जो पढ़ाया था 9th के अंदर उन बच्चों को अब दोबारा से ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा वो बच्चे अपने उस कार्य को पुनः उनको याद कर पा रहे हैं और समझ रहे हैं उस चीज़ को।